नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे अर्णव गोस्वामी के। अर्णव गोस्वामी के बारे में आप सभी बखूबी जानते होंगे, रिपब्लिक टीवी चलाते हैं। इनकी पत्रकारिता इतनी अच्छी है कि ये बुलाते तो कई अतिथियों को है, पर बात किसी की नहीं सुनते, अपनी ही सबको सुनाते हैं। कई अतिथियों से तीखे सवाल करते हैं और जब तीखे जवाब आने लगते हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, ये वहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हुए हैं और आप सभी को बखूबी पता है। अब ये भी जान लीजिए कि इन्होंने इससे पहले भी एक चैनल बनाया था जो बीजेपी से जुड़कर बनाया था। इनके पिताजी जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता ही होगा जब एक टीवी चैनल में इनके पिताजी के साथ साथ इनका पहला चैनल जो बीजेपी से खुद जुड़ा हुआ है, तो ये कैसी बात जो है वो करते होंगे, बीजेपी से जुड़ी बात करते हैं, ये सबको पता है। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने किया क्या है। पालघर मामला जब होता है तब ये बाकायदे एक अपना शो करते हैं, प्राइम टाइम शो करते हैं। इस शो में ये जो है कई लोगों को बुलाते हैं, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और भी कई लोगों को बुलाते हैं, विशेष अतिथियों के साथ ये डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर डिस्कशन में इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो है वो अब इटली जो है वो लेटर लिख के बताएंगी कि इन्होंने जहाँ सरकार बना ली वहाँ ये साधुओं को मरवा रही हैं, वहाँ से उनको शाबाशी मिलेंगी, इस तरह की बात उन्होंने की। इनके इस बयान के बाद कई जगह इनके साथ इन पर FIR किया गया। अब बताया जा रहा है कि 100 से अधिक FIR इन पर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में आज पेशी की जाती है और कल ही सुनवाई हो जाती है। तो यहाँ सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है, यहाँ सवाल सुप्रीम कोर्ट से ये है कि आपके पास इतने पेंडिंग केस होने के बावजूद आपने अर्णव गोस्वामी वाले केस पर इतना जल्दी जो है वो सुनवाई कैसे कर लिया? क्या इस पे भी हम ये समझे कि सरकार इस पर नजर रखती है या सरकार की अब कठपुतली बन चुकी है न्यायालय? क्या अब न्यायालय से भी आम लोग भरोसा करना छोड़ दें? गोदी मीडिया है, सरकार के गोद में बैठकर अपनी सरकार के वचनों को अपने मुंह से सुनाती है, लोगों के बीच में जो है सरकार की गंदी राजनीति पहुंचाती है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के जो नारद मुनि है यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, उन पर कोई कार्रवाई होगी। और अर्णव गोस्वामी उसमें सबसे टॉप लिस्ट पर आते हैं। अर्णव गोस्वामी ऐसे कई सवाल कर चुके हैं जो इससे पास साफ पता चलता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सरकार से बिकी हुई है। रंजन गोगोई का मामला भी सामने आया, जिन्होंने राम मंदिर के साथ साथ धारा 370 और अन्य कई महत्वपूर्ण रफाल का मामला से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण विषय पर जो है इन्होंने फैसला दिया था, अब उन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई है। तो क्या अब जो हमारा न्यायालय है उसको भी सरकार ने अपने अंगूठे में दबा लिया, अपने हथेली में दबा लिया है और उसको भी कठपुतली बना ली है? आप ये जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी राय क्या है। अर्णव गोस्वामी ने जो टिप्पणी की वो करने की उन्हें जरूरत नहीं थी। दोस्तों यहाँ कई सवाल मेरा है, बार बार सोनिया गांधी, अभी यहाँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर लोग मुझे कांग्रेसी जरूर कहेंगे, मुझे पता है, मुझे कहा जाएगा कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ बेशक, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ अपनी राय जरूर रखना चाहती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आप मेरे राय से सहमत हैं कि नहीं। आइए कुछ बिंदु पर बात कर लेते हैं। आप भले मुझे कांग्रेसी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो मैं अपनी जरूर कहना चाहती हूँ। आइए जानते हैं दोस्तों, यहाँ अर्णव गोस्वामी ने जो बयान दिया उसे यहाँ नहीं देना चाहिए था, कारण जानिए। बार बार सोनिया गांधी को इटली से आई हुई कहकर के उनके नागरिकता पर सवाल खड़ा किया जाता है। अब मुझे यहाँ ये बताइए कि भारत के संविधान में नागरिकता देने की कई तरीके बताए गए हैं, उसमें एक तरीका यही है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी विदेश से या कहीं से भी आई हुई लड़की अगर भारत के लड़के से शादी करती है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये आपको पता ही होगा कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी की, शादी करने के बाद जब वो इंडिया आई तो कुछ समय बाद उनको इंडिया की नागरिकता मिल गई, तो अभी वो इंडियन है। तो बार बार इटली से आई हुई कहकर उनके नागरिकता पर सवाल ना खड़ा करें, क्योंकि जब आप ऐसा सवाल खड़ा करते हैं तो वो संविधान से जुड़ा सवाल हो जाता है। आप नागरिकता पर सवाल खड़ा करके संविधान में दिए गए नागरिकता के जितने भी तरीके हैं उन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, सोनिया गांधी पर इस तरह के लाक्षण लगाकर अर्णव गोस्वामी क्या सिद्ध करना चाहते थे? अर्णव गोस्वामी ये बताना चाहते थे कि जहां उनकी सरकार बन गई वहां साधुओं के साथ बुरा हो रहा है। कई ऐसे मैटर हैं जहां साधुओं के साथ बुरा हुआ है। इस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत से ऐसे क्षेत्र में भी जो है साधुओं के साथ बुरा बर्ताव होता है, जहां बीजेपी की भी सरकार रहती है, तो क्या वहां भी ऐसे सवाल किए जाते हैं? आइए दोस्तों, और भी कई चीज़ों पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। ये लोग ऐसे ही करते हैं। एक छोटी सी जो है बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इंदिरा गांधी मरी थी तब कांग्रेस पर ये लाशन लगाया जा रहा था
कि अब इंदिरा गांधी मर गई हैं, क्योंकि अब सोनिया गांधी चाहती नहीं कि राजीव गांधी जो है वो पॉलिटिक्स में आए, तो अब ये सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर इटली चली जाएंगी, पूरे देश का धन लूट कर चली जाएंगी। इस तरह के बाद जो है वो लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाकर कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या? इसके बावजूद ये हुआ कि कुछ समय बाद राजीव गांधी जो है राजनीति में उतरते हैं और अच्छी राजनीति करते हैं। उसके बाद जब राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है तब भी ये भ्रांति फैलाई जाती है कि अब तो कोई राजनीति करने के लिए बचा नहीं है, अब पक्का जो है सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर देश का पूरा धन लूट कर इटली चली जाएंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं किया, वो खुद ही एक मजबूत लीडर बनकर उतरी। उन्होंने वहां से चुनाव भी जीता था, जो यहां पर इनका जो गढ़ है वहां वायनाड से, उसके अलावा एक और बंगाल के किसी एक सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और दोनों चुनाव में ये जो है वो जीती थी और बीजेपी के लोगों को हरा कर जीती थी। इसके बाद ये मजबूत लीडर बनकर सामने आती है, लेकिन ये खुद प्रधानमंत्री ना बनकर मनमोहन सिंह को बनाती है। यहाँ मेरा सवाल यही है कि बार बार जो है ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी जो है वो देश का पैसा लूट कर इटली चली जाएंगी, लेकिन सोनिया गांधी का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सोनिया गांधी ने ये कहा कि उन्हें कोई शर्म नहीं है कि वो इटली से पैदा हुई है, उन्हें बहुत गर्व है अपने माता पिता पर, लेकिन उतना ही गर्व उन्हें भारत पर भी है। उनकी आखिरी सांस जो है वो भारत में ही दम तोड़ेगी या उनकी अंतिम यात्रा जो है वो भारत में ही होगी। अब मेरी बात कई तरह के सवाल जो है वो मेरे दिमाग में भी आते हैं। नागरिकता पर सवाल खड़ा करके संविधान पर सवाल खड़ा करना गलत है। इसके अलावा ये भी कि सोनिया गांधी जो है वो एक अच्छी लीडर बेशक हुई हैं और राजनीति में सबने गलती की है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने बहुत अच्छी राजनीति की और किसी ने बहुत कम, गलतियां सबने की हैं। लेकिन समझना ये हुआ है कि जो हो रहा है वो कितना सही है। अब जब अर्णब गोस्वामी पर FIR हुआ तो ट्विटर पर एक बहुत बुरा ट्रेंड जो है वो चला, आपको स्क्रीन पर वो ट्रेंड दिखेगा। इस ट्रेंड को अगर फुल फॉर्म बताया जाए तो मैं तो नहीं बता सकती, इतनी अभद्र तरीके की बात जो है वो इस ट्विटर पर ट्रेंड की जा रही है। राहुल गांधी की माँ को गाली दी जा रही है, ये बताइए महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अब ये जितने लोग गाली दे रहे हैं, अब ये तो मत कहिएगा कि बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा मिर्ची लग रही होगी। बेशक अर्णब गोस्वामी आपके ही चाचा हैं और आपकी ही बोली बोलते हैं, तो ये तो सबको पता है कि किसको मिर्ची लग रही। अब ये जो ट्रेंडिंग चलाई जा रही है इससे क्या मतलब निकलता है? महिलाओं के सम्मान बीजेपी मैदान में, बेटी और महिला की है रक्षा करने के लिए आप आए हैं और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। राजनीति इतनी गिरी है दोस्तों हमारे भारत में, इससे पहले जब भी राजनीति की जाती थी और विपक्ष के जितने भी लोग होते थे उनको सम्मान से देखा जाता था। इन्हीं के जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हैं, इन्होंने विपक्ष में जब सोनिया गांधी थी तो उनका बहुत सम्मान किया था और किया भी जाना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेंड इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चलाया गया, राहुल गांधी की माँ को गाली देने की कोशिश की गई, ये गलत है। एक विपक्ष के ही तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर वो जो है अभी भी सामने खड़ी है। अभी जो विपक्ष की जो अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी ही हैं, तो अभी उनके साथ जो इतना बुरा बुरा किया जा रहा है, जब एक मजबूत लीडर को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गाली दी जा सकती है तो एक आम औरत के साथ क्या होता होगा ये आप सभी को पता है। तो मुझे यहाँ बुरा इसीलिए लग रहा है कि एक औरत को जो है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गाली दी जा रही है और लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और उस सपोर्ट में इतने मूर्ख लोग हैं कि स्वास्तिक जैसा चिन्ह बनाकर आ रहे हैं, हिंदुत्व की पहचान दे रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ गाली दी जा रही है महिलाओं को, वहीं पर आप जिस स्वास्तिक का और हिंदुत्व का पहचान देने जा रहे हैं तो उससे हिंदुत्व की बदनामी हो रही है, क्योंकि हमारे कम से कम हिंदुस्तान में महिलाओं के सम्मान की बात की गई है, सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं के सम्मान की बात की गई है। तो वहाँ जो आप स्वास्तिक का चिन्ह बना बना कर अपने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करें, कृपया ना करें, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं भी हिंदू हूँ। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसे गाली गलौज वाले प्लेटफॉर्म पे हिंदुत्व के सिंबल्स को, यानी कि स्वास्तिक और ओम वगैरह को दिखा जाता है। ये सब गलत है। आप अपने हिंदुत्व की पहचान ऐसे दे रहे हैं तो और हिंदुत्व को बुरा लग रहा है और हिंदुओं को बुरा लग रहा है। तो कम से कम हम, अगर आप ऐसे हिंदुत्व की परिचायक हैं या आप ऐसे हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे हिंदुत्व को प्रणाम करती हूँ और उससे दूरी रहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान महिलाओं के सम्मान की बात करता रहा है और आप किस सम्मान की बात कर रहे हैं? आप महिलाओं को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ कर गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, एक जबकि वो एक मजबूत आपके जो है विपक्ष की मजबूत लीडर हैं, या यूँ कहिए कि एक ही एकलौती लीडर है। दोस्तों ये सब जो हो रहा है वो बेहद गलत हो रहा है और राजनीति को इतना गिरा दिया गया है कि अब लोगों की सोच भी जो है वो मर गई है। अब लोग सोचने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और सोनिया गांधी को लेकर ये जो गाली दिया गया, कम से कम एक महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा है। भले ही वो विपक्ष से जुड़ी थी, लेकिन आप लोगों को और जो जो लोग ऐसी गंदी राजनीति के चलते सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी कि उनके ट्विटर हैंडल को डिलीट किया जाना चाहिए। एक ऐसी गंदे ट्वीट से जो है आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, हिंदुत्व का जो है आप परिचायक बनकर स्वास्तिक का चिन्ह लगा के हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और ये भी जरूर बताएं कि ये जो गंदी राजनीति की जा रही है, इसका भविष्य क्या देखते हैं आप। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।